हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज की इस वीडियो में मैं अनबॉक्स करने वाला हूं इसी नए कीबोर्ड और माउस के कॉम्बो पैक को, जो कि एक वायरलेस माउस और कीबोर्ड का कॉम्बो है। एक्चुअली में दोस्तों, ये है लॉजिटेक की तरफ से, लॉजिटेक MK270R। एक्चुअली में ये जो कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो है, मैंने इसको परचेस किया है अमेज़ॉन से। और जो मेरा पहला वाला कीबोर्ड और माउस था ज़ेब्रोनिक्स की तरफ से, वो तो पता नहीं उसमें क्या ऐसा हो गया, उसको कौन से ऐसे नशे चढ़ गए कि उसके केबल को जब भी मैं अपने लैपटॉप में लगाता हूँ तो मेरा लैपटॉप अजीब तरीके से बिहेव करने लगता है। यानी कि वो जो कीबोर्ड और माउस था, वो शायद शॉर्ट हो गया, अंदर से कुछ हो गया है। उसको मैं फ़िलहाल के लिए अभी सर्विस सेंटर दे दूँगा, लेकिन मैं यहाँ पर आज अनबॉक्स करने वाला हूँ इसी नए कीबोर्ड और माउस के कॉम्बो पैक को, जो कि मुझे यहाँ पर 1500 के अराउंड पड़ा है। तो जानेंगे इसके फीचर्स को, क्या कुछ मिलता है हमको बॉक्स के अंदर, और कैसा है ये कीबोर्ड और माउस, सारा कुछ आपको इस वीडियो में पता चल जाएगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, चलिए दोस्तों मैं आपको इसका एक क्विक अनबॉक्सिंग दिखाता हूं, साथ ही साथ इसका रिव्यू भी दे देता हूं कि क्या ये अपनी प्राइस को जस्टिफाई करता है कि नहीं, क्या आपको ये कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो परचेस करना चाहिए भी कि नहीं। तो हेलो गाइज, मेरा नाम महेश और आप देख रहे हैं गीक माही। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग को। गाइज, ये है यहां पर मेरा ये वायरलेस माउस और कीबोर्ड, तो इसी अमेज़ॉन के पैकेट में भरा हुआ। तो मैं जल्दी से यहाँ से इसके पैकेट को हटाता हूँ। तो ये हो गया मेरा माउस और कीबोर्ड का बॉक्स। तो इसकी हालत तो बहुत पतली लग रही है। खैर, यहाँ से मैं इसको ओपन करता हूँ। तो जैसा कि मैं यहाँ से इसको ओपन करता हूँ, खैर यहाँ पर सबसे पहले आप देख लीजिए इसके बॉक्स को। कुछ ऐसा बॉक्स आपको देखने को मिलेगा जब आप इसको परचेस करेंगे। हमको अंदर रखा हुआ मिल जाएगा एक कीबोर्ड और एक ये रिसीवर और एक ये माउस। तो हम जल्दी से अब इसको यहाँ से बाहर निकालते हैं। तो कीबोर्ड को कुछ इस तरीके से हम बाहर निकाल लेंगे। तो ये होकर आ गया कीबोर्ड। तो हाँ, ये हो गया इसका माउस, और आई थिंक रिसीवर इसके अंदर ही रखा होगा, तो उसको भी हम देख लेंगे। खैर, यहाँ पर कहीं हमें रिसीवर तो दिख नहीं रहा है, इसका मतलब यही है कि रिसीवर इसी माउस के अंदर हो सकता है। तो मैं जल्दी से पहले आपको माउस के ऊपर ले चलता हूँ, फिर उसके बाद आपको कीबोर्ड के ऊपर दिखाऊंगा कि क्या कुछ मिल जाता है। खैर, यहाँ पर सबसे पहले मैं अगर आपको माउस दिखाऊं, तो माउस बहुत ही कॉम्पैक्ट है। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है कि माउस इतना लाइट वेट है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। खैर, यहाँ से हम इसको जल्दी से ओपन करते हैं। तो हमको यहाँ पर ओपन करते ही देखने को मिल जाएगा एक यही सेल हमको यहाँ पर रखा हुआ मिल जाता है, और एक ये हो गया रिसीवर। आई थिंक पहले हम इसको बाहर निकाल लेते हैं, फिर उसके बाद यहाँ पर हमको दिख रहा है एक रिसीवर, तो हम यहाँ से इसको बाहर निकाल लेंगे। मैं आपको बता दूँ कि एक फैन फैक्ट मेरे साथ क्या हुआ। मुझे लगा कि रिसीवर इसके अंदर मिलेगा, बट नहीं, रिसीवर यहाँ पर इस कीबोर्ड के इस साइड में लगा हुआ था कुछ इस तरीके से। तो आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर लगा हुआ था, तो आप ध्यान दीजिएगा कि अगर रिसीवर इसके अंदर नहीं मिले तो आप यहीं पर इस रिसीवर को पा सकते हैं, जिसको हम अपने लैपटॉप में लगाएंगे। और ये छोटा सा एक लॉजिटेक का रिसीवर हमको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। तो हाँ, चलिए अब मैं आपको सीधा ले चलता हूँ इस माउस की तरफ। तो माउस आप क्वालिटी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके की देखने को मिलती है। अब यहाँ पर हम जल्दी से इसको साइड में रखते हैं और अब आते हैं सीधा कीबोर्ड की तरफ। तो कीबोर्ड को हम यहाँ से अनरैप करते हैं। तो कीबोर्ड को अनरैप करने के बाद हम यहाँ पर, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि ये होकर आ गया बाहर कीबोर्ड, और यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन मैनुअल वगैरह दिए गए हैं। अब हम इसको यहाँ से बाहर निकाल लेते हैं। तो हमको यहाँ पर बैटरी दी गई है, तो इसको हटाते ही अब जो बैटरी है, अब ये मेरा जो कीबोर्ड है वो वर्किंग कंडीशन में आ चुका है। और अब यहाँ से दो स्टैंड भी दिए जा रहे हैं, जिनको आप कुछ इस तरीके से इस एंगल पर भी रख सकते हैं, और चाहे तो आप इस फ्लैट एंगल पे भी रख के इसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर पावर ऑन ऑफ का बटन देखने को मिल जाता है। खैर, ये इस समय मैंने इसको ऑन कर दिया है, और आई थिंक इसके अंदर ये जो बैटरी है वो वर्किंग कंडीशन में होगी। तो अब फटाफट से मैं इन सभी चीज़ों को सेटअप करके फिर आपको दिखाता हूँ सीधा लैपटॉप में कि ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं। तो गाइज, ये है मेरा लैपटॉप, और ये है यहाँ पर कीबोर्ड, और ये है यहाँ पर माउस, और ये है इन दोनों का रिसीवर। हम इसी रिसीवर के माध्यम से इन दोनों को वर्किंग कंडीशन में ला सकते हैं। और यहाँ पर जो ये मेरा माउस है और ये जो मेरा कीबोर्ड है, अभी फ़िलहाल के लिए मैंने इसको ऑन किया है। अब मैं जैसे ही इस रिसीवर को इस लैपटॉप में लगाऊंगा, तो ये दोनों जो है वो वर्किंग कंडीशन में आ जाएंगे। तो अब मैं यहाँ से इस रिसीवर को अपने लैपटॉप में लगा देता हूँ USB पोर्ट में। तो ये हो गया, अब ये जो मेरा लैपटॉप है वो अब इन दोनों के साथ
कंपेटेबल हो चुका है यूज़ करने के लिए। अब तो मैं फटाफट से कुछ आपको वर्ड टाइप करके फिर उसके बाद आपको बताता हूँ कि ये वर्क कर भी रहा है कि नहीं। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर इस माउस के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो ये हो गया मेरा माउस, अब मैं यहाँ से इसको यूज़ करता हूँ। तो अब जैसा कि आप यहाँ पर देख पाएंगे, तो ये हो गया मेरा माउस। तो अब यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि जो मेरा कर्सर है वो वर्क कर रहा है। मैं यहाँ से रिफ़्रेश कर देता हूँ, किसी भी एप्लीकेशन को जैसे ओपन करता हूँ, ये होगा गूगल क्रोम। तो ये काफ़ी सीमलेस तरीके से ओपन हो रहा है, सारी चीज़ें अच्छे से काम कर रही है। ऐसा नहीं लग रहा है कि मुझे मैं वायर्ड माउस को यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ऐसा ही मुझे फील हो रहा है कि जैसे मेरे हाथ में वायर्ड माउस है और कोई भी डिले यहाँ पर मुझे नहीं लग रहा है। तो अब यहाँ पर बात आ जाती है कि क्या ये जो कीबोर्ड है वो टाइपिंग एक्सपीरियंस आपको ख़राब तो नहीं करेगा। तो मैं यहां पर आपको बताऊं, तो ये हो गया मेरा वर्ड पैड। तो अब मैं यहां पर मैं आपको एक चीज बताता हूं, उस चीज को आप प्लीज फॉलो कीजिएगा। तो ये हो गया, और यहां से अब मैं आपको बताता हूं कि आपको क्या करना है। दोस्तों हमारा जो लक्ष्य है, हमें अपने लक्ष्य पर बने रहना है, वो है यहां पर सब्सक्राइब गीक। इस चीज को आपको जरूर करना है, इस चीज़ को आपको ज़रूर करना है। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो आप फट से कीजिए। आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, वही जिस चैनल को आप देख रहे हैं, इस चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। खैर यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि इस कीबोर्ड की बात यह है कि ये जो कीबोर्ड है मुझे काफ़ी अच्छा लगा। मतलब यहाँ पर आप कुछ भी टाइप करेंगे बहुत ही मज़ा आता है। मैं कुछ दिन पहले एक कीबोर्ड को यूज़ कर रहा था, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ। ये है मेरा ज़ेब्रानिक्स का कीबोर्ड, और ये जो कीबोर्ड है वो एक्चुअली में ख़राब हो चुका है, क्योंकि मैं इस कीबोर्ड को जैसे ही अपने लैपटॉप में लगाता हूँ तो मेरा जो लैपटॉप है वो उसको अजब से ही नशे हो जाते हैं, ये पता नहीं क्या क्या लिखने लगता है। और मेरा जो लैपटॉप है इस कीबोर्ड और इस माउस की वजह से हैंग हो जाता है। तो इस वजह से मैंने इसको हटाकर इसी को परचेस किया है। खैर यहाँ पर ये जो लॉजिटेक का माउस और कीबोर्ड कॉम्बो है वो काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है। खैर ये भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो मेरी हैबिट नहीं बनती थी जब मैं इस पर टाइपिंग वगैरह करता था। तो खैर यहाँ पर ये जो कीबोर्ड है वो मुझे काफ़ी अच्छा लगा, इसमें टाइपिंग करने में भी काफ़ी मज़ा आता है और सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से वर्क कर रही हैं। तो ये चीज़ मुझे उसकी अच्छी लगी, और यहाँ पर ये थोड़ा सा मुझे इनकन्वीनियंट लगता है। खैर यहाँ पर मैं आपको इस माउस के बारे में बताऊं तो क्या माउस भी काफ़ी बड़ा था और माउस भी मुझे काफ़ी इनकन्वीनियंट लग रहा था। तो इस वजह से मैंने इसको हटाकर अब इसी लॉजिटेक के माउस और कीबोर्ड को परचेस किया है, इसके कॉम्बो को। खैर यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो ये जो माउस और कीबोर्ड है मुझे काफ़ी सस्ते में मिल गया था, कुछ दिनों पहले अमेज़ॉन से मैंने इसको परचेस किया था, तो मुझे कुछ 1469 रुपीज़ का पड़ गया था। तो अब यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो इसमें आपको कुछ और फंक्शनैलिटीज़ भी दी गई हैं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं प्ले पॉज का बटन दिया गया है, और यहाँ पर आपको म्यूज़िक वॉल्यूम अप एंड डाउन मतलब ज़्यादा कम करने के लिए भी आपको दे दिया गया है। और यहाँ पर आप चाहें तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मैं यहाँ पर जो म्यूज़िक वॉल्यूम अप एंड डाउन कर रहा हूँ, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि म्यूज़िक वॉल्यूम अप एंड डाउन हो रहा है, यानी कम वो ज़्यादा हो रहा है। तो अब मैं चाहूँ तो होम पर जैसे ही प्रेस करता हूँ होम बटन पर, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे हम होम बटन पर आ चुके हैं, ईमेल वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। और यहाँ पर चाहें तो आप अपने पीसी को स्लिप मोड भी मिला सकते हैं इसी कीबोर्ड की मदद से। आपको यहाँ पर कुछ भी इसमें कुछ भी यहाँ पर टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ से आप चाहें तो इसको फिर से इन्वोक कर सकते हैं। और साथ ही साथ आपको यहाँ पर नम पैड वगैरह भी दिए जा रहे हैं, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जा रही है। और इसके बारे में बताऊँ तो ये काफ़ी क्लिकी है, मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है मुझे। तो खैर आप अब मुझे बताइए कि आपको ये कीबोर्ड और माउस का कॉम्बो कैसा लगा। खैर वो दोनों तो मुझे अच्छे नहीं लगे जो मैंने लॉजिटेक वाला आपको दिखाया, खैर ये कैसे लगे आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो गाइस उम्मीद है आपको इसी वायरलेस माउस और कीबोर्ड की अनबॉक्सिंग वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही साथ चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें। मैं मिलता हूं आपसे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।